2024 की माघ पूर्णिमा इस बार 24 फरवरी को आ रही है। इस दिन दान व स्नान का अत्यधिक महत्व बताया गया है। इस दिन अगर पितरों की सेवा करी जाए, स्नान आदि करके पूजन पाठ से पितरों को तर्पण किया जाए तो पितर शांत होते हैं, वो अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज के समय में देखा है हर कोई अपने काम या व्यवसाय किसी न किसी चीज़ से परेशान रहता है। ऐसे में अगर पितरों को प्रसन्न कर लिया जाए तो यह बहुत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पितरों की पूजा से हमें अपने बड़ों का, कुल के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन दान का भी बहुत महत्व है। पितरों की पूजा में काले तिल का उपयोग अत्यधिक महत्व बताया गया है। पितरों के लिए काले तिल के दान का अत्यधिक महत्व बताया गया है। इसी के साथ में काले तिल बहुत जगह उपयोगी बताया गया है। आइए जानते हैं पंडित जी से। माघ पूर्णिमा काले तिल के प्रयोग के लिए विशेष बताई गई है। पितरों के लिए, पितरों की आत्म शांति के लिए माघ पूर्णिमा एक विशेष महापर्व के रूप में मनाते हैं। जो इस दिन पितरों के निमित्त काले तिल का प्रयोग करता है वह पितरों को तो मोक्ष प्रदान करता ही है, साथ में अपना जीवन भी सुख समृद्धि से संयुक्त करता है। अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, समृद्धि युक्त बनाने के लिए माघ पूर्णिमा के दिन विशेष काले तिल का प्रयोग करें। पितृ मोक्ष के लिए माघ पूर्णिमा में नदी सरोवरों में जाकर स्नान आदि करने के पश्चात तर्पण करना है। तर्पण में तिल का प्रयोग करना है। काले तिल से पितृ प्रसन्न होते हैं। तर्पण के पश्चात में काले तिल से बने लड्डुओं का भी आप दान कर सकते हैं, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात जब हम भोजन करने बैठते हैं उससे पहले पितरों के लिए होम अग्ञारी करें। भोजन के पहले होम अग्ञारी करें, उसमें भी काले तिल का प्रयोग करें। काले तिल से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों के निमित्त काले तिल का दान करना चाहिए। काले तिल के दान से पितृ अत्यधिक प्रसन्न होकर के वह उनकी सद्गति होती है और हमारे जीवन में उन्नति के लिए वह आशीष प्रदान करते हैं। काले तिल का प्रयोग स्नान में करें। सुबह जब हम स्नान कर रहे हैं तो काले तिल का प्रयोग करें, जिससे हमारे पितृ स्नान से लेकर के संध्या वंदन तक हम काले तिल का प्रयोग करते जाएं, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं।